नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 8 दिसंबर 2019। जी हाँ दोस्तों, आज एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 27 दिसंबर 2019 की, हम बड़ी अपडेट देखेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आपके दोस्तों रिवाइज्ड दिसंबर आंसर की 2019 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो आपने इसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल कर रखा है, तो दोस्तों कितने नंबर बढ़ेंगे, पहला सवाल ये आता है कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 10 से 15 नंबर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ने के बाद दोस्तों ये होते हैं कि क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपके आंसर की में कहीं पर भी दोस्तों 9 जैसा कुछ लिखा था, तो दोस्तों समझ लीजिए उसको सभी को कॉमन नंबर दिया जाएगा। अगर आपने आंसर की चेक किया होगा दोस्तों, वहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया था अगर किसी के विकल्प में 1 2 3 4 के अलावा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा विकल्प आपका 1 2 3 4 करके था। अगर दोस्तों कहीं पर भी 9 का ऑप्शन आपको दिखे 1 2 3 4 के अलावा, तो मतलब दोस्तों उस प्रश्न का सभी को फ्री का एक नंबर मिलेगा। तो आप लोग दोस्तों पहले ये चेक करेंगे कि आपको कितने फ्री के अंक मिल रहे हैं, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्या आज जारी हो जाएगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या आज रिजल्ट जारी होगा। तो इसको लेकर भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा और कितने समय जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, विद टाइम। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइम होता है सीटेट का रिजल्ट जारी होने का, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक और बड़ी अपडेट, जानेंगे पासिंग मार्क। जी हाँ दोस्तों, एक और सभी बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं कि जनरल में क्या 10% का आरक्षण मिलेगा। मतलब दोस्तों साफ है कहने का, क्या जनरल वाले बच्चों को भी 82 नंबर पर ला के पास हो सकते हैं? सबको नहीं दोस्तों, जो EWS कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, तो क्या उन्हें भी 10% का लाभ मिलेगा? और दोस्तों इस वीडियो में एक और बड़ी अपडेट होगी कि आपके कितने नंबर बढ़े और कितने नंबर कम हुए, सब कुछ यहाँ पर हम जानेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिए कि हम आपको बता दें, काफी बच्चे समझ नहीं पा रहे इसको, कि कभी देखिए मैथ में होता है क्या ना, मैथमेटिक्स का अगर आपने कभी पेपर दे रखा है, तो दोस्तों उसमें एक ही आंसर हमेशा सही होता है, या तो मान लेते किसी विकल्प का 2 आंसर सही या तो तीसरा सही है। अगर आप ये सोचे दोस्तों कि दूसरा भी सही हो जाता, तीसरा भी सही होता, तो ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात हम आपको बता देते, एग्जाम्पल देखे, अगर दोस्तों हम 2+2 करते हैं, इसका आंसर 4 आएगा, सबको पता है, लेकिन सीटेट ने बाई मिस्टेक इसका आंसर 5 दे दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों आपको चैलेंज का मौका मिला और आपने चैलेंज किया, कहा कि नहीं इसका आंसर 4 होगा। तो दोस्तों होगा क्या, उस कंडीशन में जो 5 वाला आंसर दिया गया था, इसको कट किया जाएगा, मतलब ये आंसर अब नहीं सही है, अब सिर्फ आपका सही होगा आंसर वाला, जिसमें आपका 4 था वही वाला दोस्तों आपका आंसर सही किया जाएगा। तो ये होता है पूरा सीटेट का रूल या किसी भी परीक्षा का। तो कभी कभी दोस्तों होता है ना कि कुछ बच्चे ने पहले मिला लिया कि यार चलो ठीक है 5 वाला आंसर सही माना गया, काफी बच्चों से गलती होती है, जानबूझ के उन्होंने इसी क्वेश्चन को टिक किया था, ठीक, उनको समझ में था कि यार 5 वाला ही सही होगा। अगर कोई बच्चा इसमें ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करे, मतलब आपको पता था एक प्रश्न का ऑब्जेक्शन करने का आपको 1000 रुपए देना था, इस बात को समझिए। अगर किसी बच्चे ने दोस्तों इस प्रश्न को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो सीटेट मानेगा नहीं यार 5 वाला विकल्प सही है। अगर 4 वाले के लिए कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो सीटेट उस पर विचार करेगा और 4 को तुरंत उसको सही करार दे देगा। तो दोस्तों ये होता है प्रोसेस, अगर आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया होगा तो ही आपको फायदा मिलेगा। आपने मतलब दोस्तों किसी भी बच्चे ने, जो 28 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया, उनमें से कोई एक बच्चा ऑब्जेक्शन फाइल कर दे, तो ही दोस्तों आपको फायदा मिलेगा। जो बच्चे पेपर नहीं दे सकते या नहीं दिए थे, वो तो ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, उन्हीं की लॉगिन आईडी से ऑब्जेक्शन हो सकता है, जिन बच्चों ने सीटेट 2019 का पेपर दिया था, ठीक है। ये बात आप समझ गए, अब आपके मन में एक डाउट तो दोस्तों कम से कम क्लियर हो गया होगा, कैसे नंबर बढ़ता है और कैसे घटता है, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे के अंदर दोस्तों अभी तक यही डाउट चल रहा था, यार नंबर आखिर बढ़ता घटने वाला क्रम क्या होता है। अब देखिए दोस्तों रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं, रिजल्ट को लेकर काफी अफवाहें चल रही हैं, अफवाह से रहना आपको सावधान। देखिए दोस्तों हमारा YouTube चैनल आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाता है, 27 तारीख की तो 27 की वीडियो, कल 28 होगी तो 28 की वीडियो मिलेगी। देखिए सबसे पहले अभी हम बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक भी नए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया दोस्तों, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बताइए कि यार कैसे नंबर बढ़ता है कैसे घटता है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो दोस्तों, जैसे देखिए जनरल के पहले पासिंग मार्क हम आपको क्लियर करते हैं 90 नंबर होगी, और दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के EWS कैटेगरी से आते हैं, तो क्या आपके लिए 82 नंबर होंगे, ये दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, फिलहाल अभी ये नहीं है, हम बता रहे हैं खाली। अभी अगर आप दोस्तों OBC से आते हैं, SC कैटेगरी से आते हैं, ST से आते हैं, ये 3 कैटेगरी से आएंगे, तो आपको दोस्तों 82 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है, जनरल में 90 और दोस्तों OBC SC ST में 82। देखिए दोस्तों अभी इस पर सीटेट ने भाई क्लियर नहीं किया है कि जनरल EWS के लिए 82 नंबर पासिंग मार्क होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे आपको आरक्षण की बात हो रही, तो देखिए ये OBC SC ST ये एक आरक्षित वर्ग है,
और इनको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जनरल में अगर इकोनॉमी वीकर सेक्शन को दोस्तों आरक्षण मिलेगा तो क्या नंबर के साथ मिलेगा कि पैसों के साथ छूट होगी? देखिए अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में भी दोस्तों जो फॉर्म की कीमत होती है उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती। जो बच्चे जनरल के पैसा देते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए वही बच्चे ओबीसी के भी देते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि चाहे आप जनरल कैटेगरी से है चाहे ओबीसी से है आपको फॉर्म भरने के लिए सेम पैसा देना है, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों इस पर पत्ते नहीं खुले हैं कि यार क्या इसको मिलेगा। अगर दोस्तों जैसे इसकी ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी ये एक क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम आपको इसको क्लियर कर सकें कि आखिर क्या जनरल EWS इस बार तो दोस्तों काफ़ी मुश्किल भी लग रहा है 2019 में, लेकिन दोस्तों अगले साल काफ़ी हद तक क्लियर होगा। देखिए दोस्तों जब कोई नया नियम नया कानून बनता है तो उसको सही से पारित भी करना चाहिए। देखिए अभी हो क्या रहा है, अभी आपको एक बता दें यूपीटेट का दोस्तों ऑनलाइन आवेदन लिया गया। यूपीटेट 2019 सबसे बड़ा दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म है सीटेट के बाद इंडिया का। 16,45,000 बच्चों ने आवेदन किया और सीटेट में दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर लगभग 28 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। सोचिए यहाँ पर 16 लाख बच्चे यूपी में खाली आ जाते हैं और 28 लाख पूरे देश में। तो दोस्तों ये फर्क होता है यूपी वर्सेस बाहर का। और आपको एक बात और बता दें, काफी बच्चे दोस्तों आवेदन भी नहीं कर पाए थे, तो समझ सकते हैं कि सीटेट और यूपीटेट का जो टक्कर होता है लगभग बराबरी का है। थोड़े बच्चे यहाँ पर 12 लाख ज्यादा हो रहे हैं, थोड़े तो नहीं बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अंतर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों इसके हम आपको फिलहाल अपडेट दे देंगे कि जो ये इसमें कुछ चेंजेस होगा जनरल EWS में तो हम आपको बता देंगे। देखिए यूपीटेट में हुआ क्या था इसको भी हम आपको पहले क्लियर कर दें कि यूपीटेट में दोस्तों जो 10% आरक्षण वाली बात थी तो उसमें भी दोस्तों मेंशन नहीं किया गया। जब यूपीटेट का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आया ना, विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज जारी हुआ तो उसमें किसी प्रकार का ऐसा छूट की बात नहीं की गई, तो बच्चे चले गए कोर्ट। अभी दोस्तों यहाँ पर मामला कोर्ट में आपका पेंडिंग है, यूपीटेट को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों इसके भी ऑफिशियल जो अपडेट्स आएंगे आने वाले समय में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल इस पर डिस्कस कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर क्या है, कब तक आएगा। देखिए दोस्तों जो बच्चे काफी अफवाह फैलाते हैं क्या रिजल्ट जारी हो जाएगा, कल हो जाएगा, पहले उनको एक बात हम क्लियर करेंगे। पहले आपका रिवाइज्ड आंसर की आएगा, ठीक है दोस्तों। अब सीटेट चाहे तो एक ही दिन दोस्तों रिवाइज्ड आंसर की वर्सेस रिजल्ट जारी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों रिवाइज्ड आंसर की में जो ये रिवाइज्ड दिसंबर आंसर की आएगी इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। रिवाइज्ड आंसर की कोई दोस्तों आप रिजल्ट मान सकते हैं, जी हाँ दोस्तों रिजल्ट वर्सेस रिवाइज्ड आंसर की एक ही चीज होगा। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों जब रिवाइज्ड आंसर की में किसी भी प्रकार का बदलाव होगा नहीं, आपने अपनी OMR डाउनलोड कर ली होगी तो आप उसको दोस्तों सिंपल तो मिला लेंगे, जो अगर आपके मिलाने पर 90 नंबर बन जाए तो आप पास है, या 82 नंबर बने तो ही आप पास है, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। देखिए एक चीज और बता दें कि यहाँ पर नंबर बढ़ने और घटने का क्या क्रम होगा सीटेट में। तो दोस्तों आपने जितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा रखी होगी, ठीक है, इस बात को आप समझ जाइए कि आपने कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है। कुछ बच्चे होंगे दोस्तों एक प्रश्न पर कराए होंगे, देखिए कोई बच्चा यार ज्यादा प्रश्न पर नहीं करा सकता, एक क्वेश्चन बहुत ही होगा, क्योंकि अगर दोस्तों आप 5 प्रश्न पर कराएंगे 5 क्वेश्चन पर तो आपको 5,000 रुपए देना पड़ेगा। इससे अच्छा आप कहेंगे यार साल भर तो हमने 5,000 रुपए फीस भी नहीं खर्च की सीटेट के लिए और 5,000 रुपए सिर्फ हम ऑब्जेक्शन के लिए फाइल कर दें। और अगर आपकी आपत्ति सही होती है, ऑब्जेक्शन सही होता है दोस्तों, वो पूरा पैसा आपको रिफंड करेगा सीटेट, ठीक है ना, क्योंकि गलती उनकी थी। और एक बात और बता दें, सीटेट आपको 1 भी रुपए एक्स्ट्रा रिफंड नहीं करेगा, 5,000 पेमेंट की तो 5,000 ही आएगा, और जहां से जिस भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट किया उसी पर दोस्तों वो पैसा रिफंड होगा। मतलब आपसे अलग से कुछ नहीं मांगा जाएगा कि आप सोचिए कि नहीं फिर से हमसे कार्ड नंबर भरवाया जाएगा या बैंक अकाउंट नंबर, ऐसा कुछ नहीं कहा गया फिलहाल, तो ये बात का आपको ध्यान रखना था। तो चलिए दोस्तों ऑब्जेक्शन सब कुछ तो हो चुका है, 25 तारीख उसकी अंतिम तिथि थी। तो दोस्तों जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे, तो रिजल्ट की पूरी अपडेट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या है पूरा मामला। कि सीटेट दिसंबर 2019 परीक्षा की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख निकल चुकी है, अब आवेदकों को इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है जो अब किसी भी समय घोषित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों एट एनी टाइम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2019 का आयोजन 8 दिसंबर को किया गया था। CBSE के मुताबिक इस परीक्षा में 28,32,000 आवेदकों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा के आंसर की दोस्तों 22 दिसंबर को जारी कर दी गई थी, जिस पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 25 दिसंबर 2019 थी। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदकों को 4 दिन का समय दिया गया था। इसके लिए आवेदकों को प्रति आपत्ति 1,000 रुपये जमा करवाने थे। अगर कोई आपत्ति सही पाई जाती तो फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसके आधार पर ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। CBSE के मुताबिक इस परीक्षा का रिजल्ट आयोजित होने के 6 हफ्तों के भीतर
जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सीबीएसई के पुराने रिकॉर्ड को देखें तो रिजल्ट तय समय से काफी पहले ही जारी कर दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि मतलब 6 हफ्ते का तो समय लिया गया है कि 6 हफ्ते के अंदर करेंगे, 6 वीक के अंदर। तो दोस्तों मतलब आपका जिस दिन रिवाइज आंसर की जारी होगा, समझ लीजिए उसी दिन आपका रिजल्ट एक तरह से जारी हो चुका है। अगर आंसर की पर जताई कोई आपत्ति सही नहीं पाई जाती तो दोस्तों रिजल्ट अगले हफ्ते भी जारी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों के भीतर सीटेट परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जनवरी के पहले हफ्ते में भी रिजल्ट घोषित होने की खबरें मीडिया में चलाई जा रही हैं। हालांकि सीबीएसई ने रिजल्ट घोषित होने की किसी भी तारीख का अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन अगले हफ्ते के बाद किसी भी समय रिजल्ट घोषित हो सकता है। अगर आपने यह परीक्षा दी तो आपको लगातार सीटेट 2019 वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका एक लिंक दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, उस लिंक के माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको रिजल्ट चेक करना तो आपको हम अपने कमेंट बॉक्स में एक लिंक देंगे प्रॉपर, उसको रोज चेक करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, हर 2 घंटे में, जी हाँ दोस्तों, उसको चेक करते रहिए। अगर उसमें कोई भी रिजल्ट की अपडेट आएगी तो सबसे पहले दोस्तों सीटेट के बाद वहीं पर आएगी, क्योंकि दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है सीटेट से डायरेक्ट लिंक है। तो जैसे दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा तुरंत आपको पता चल जाएगा, तो आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले एक्सेस कर पाएंगे। एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं आपको जाते जाते कि दोस्तों जैसे रिजल्ट आएगा, आंसर की दोस्तों आई थी आपको पता ही होगा, कुछ बच्चों ने फेस किया होगा कि साइट डाउन हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, जब साइट डाउन होने का मतलब साइट स्लो हो गई थी, तो वैसे जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा ना तो उस दिन भी आपकी साइट दोस्तों डाउन हो जाएगी। तो रिजल्ट टाइम जब साइट डाउन होगी तो मतलब साफ है दोस्तों कि अगर आप पहले कुछ कर लेंगे तो बेटर होगा। तो आप लोग जो हम वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं उसको आप सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर कर देंगे तो दोस्तों वो फायदा ये रहेगा कि आप हर रोज हर घंटे उसको चेक करते रह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।